For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. बिग बॉस के घर में एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके साथ कितना ही मजाक कर लिया जाए लेकिन फिर भी वो अपनी डिसेंसी को नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करणवीर बोहरा की, केवी, जिनको फैंस का डेफिनेटली काफी सपोर्ट है। घर के अंदर भी अगर उनका गेम प्ले देखा जाए तो ही इज प्लेइंग क्वाइट गुड। ऑनेस्टली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो केवी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर वीकेंड का वार पर ये देखा जा रहा है कि सलमान जो है वो केवी को किसी ना किसी बात पर उनका मजाक उड़ाते हुए जरूर नजर आते हैं, चाहे वो फिर उनके कपड़े हों। लेकिन बात जब तक कपड़ों की थी, हंसी मजाक की बात थी, तब तक ठीक था। लेकिन अब पिछले काफी टाइम से ऐसा देखने को मिल रहा है कि सलमान जो है वो कहीं ना कहीं केवी की तरफ बायस्ड नजर आ रहे हैं, बिकॉज वो हर बात पर उनकी टांग खिंचाई करते हैं या बेइज्जती करते हैं। और पिछली बार वीकेंड का वार पर सुल्तानी अखाड़े में जिस तरीके से करणवीर का मजाक उड़ाया गया तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग डेफिनेटली था। और इसी चीज को लेकर दोस्तों एक बवाल क्रिएट हो चुका है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर केवी के जो फैंस हैं वो सलमान के अगेंस्ट भड़क गए हैं और इस चीज को अब सपोर्ट करने उतरी हैं उनकी वाइफ यानी टीजे। जी हाँ, केवी की जो वाइफ है टीजे, उन्होंने एक ओपन लेटर जारी किया है बिग बॉस के मेकर्स के अगेंस्ट और उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा जिस तरीके से केवी के साथ बर्ताव हो रहा है। वहां पे गेम अपनी जगह है, हंसी मजाक भी अपनी जगह है, टांग खिंचाई करना भी अपनी जगह है, लेकिन एक ह्यूमन ग्राउंड पर, ह्यूमन बेसिस पर जिस तरीके से ये हो रहा है ये नहीं भूलना चाहिए मेकर्स को और इवन किसी को भी फॉर दैट मैटर, कि केवी भी एक रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी है, रिप्यूटेड सेलिब्रिटी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। कसौटी से लेकर सौभाग्यवती भवन से लेकर नागिन तक जो केवी का सफर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है। और दो बच्चों के पिता हैं वो, एक किसी के हस्बैंड हैं, किसी के बेटे हैं और काफी अच्छा इंडस्ट्री में उनका नाम है, उन्होंने काफी काम किया है इंडस्ट्री में। तो इन सब चीजों को लेकर उसके अलावा उन्होंने शो में ऐसा कुछ गलत अभी तक किया नहीं है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो केवी एक अच्छा गेम पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो मुझे नहीं लगता, ऐसा टीजे का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं श्रीसंत के इतना कुछ गलत करने के बावजूद सलमान बायस हो रहे हैं श्रीसंत की तरफ और कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, जो व्यूअर्स है, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि सलमान कुछ ज्यादा ही श्रीसंत को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी लोग श्रीसंत को अननेसेसरी सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह का श्रीसंत का बिहेवियर है टुवर्ड्स सलमान, टुवर्ड्स एवरीवन, टुवर्ड्स द कंटेस्टेंट, तो कहीं ना कहीं जो श्रीसंत है उनको इस बात का सबक जरूर मिलना चाहिए और उनको सिखाया जाना चाहिए कि इस तरीके से आप बिहेव नहीं कर सकते। हालांकि केवी के सपोर्ट में मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कभी कभी ज्यादा हो जाता है। और इस चीज पर आपका क्या कहना है प्लीज कॉमेंट्स करके जरूर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। मतलब यार, ये जो यू नो जिस तरह का बिहेवियर केवी के साथ हो रहा है घर में, ऑनेस्टली से वो अच्छा खेल रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक डेफिनेटली फेयर डिसीजन होना चाहिए। जिस तरीके से उनका उनके साथ मजाक होता है हर बार, इट्स नॉट गुड। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? कहीं आपको क्या, आपको डेफिनेटली लगता है कि सलमान जो है वो श्रीसंत की अननेसेसरी साइड ले रहे हैं? प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब।